हेलो दोस्तों, नमस्कार। होम्योपैथिक टच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मेडिसिन के बारे में, यानी कि एक दवा के बारे में, जिसका नाम है डॉक्टर ऋग्वेद R9। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये मेडिसिन किस किस रोग या फिर किस किस बीमारी में काम आता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि कोई भी मेडिसिन यानी कि कोई भी दवा किसी भी एक रोग में काम नहीं आती, बल्कि वह एक से अधिक रोग या बीमारी में काम आती है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ मालूम हो जाएगा। डॉक्टर ऋग्वेद R8 कॉफ सिरप, R9 कॉफ ड्रॉप्स, R8 खांसी के लिए सिर्फ, R9 खांसी के लिए ड्रॉप्स। मूल तत्व R8 अमोनियम कॉस्टिकम D2, बेलाडोना D2, रायोनिया D2, कैमोमिला D2, कॉकस कैक्टाई D5, कोरेलियम रूबम D10, क्यूप्रम एसिटिकम D10, रोसेरा रोटेडिफोलिया D2, इपेका कुवानहा D3, थायमस वल्गेरिस D2, सेकारम एल्बम, सेकारम टोस्टम। मूल तत्व R9, बेलाडोना D4, रायोनिया D3, कॉकस कैक्टाई D6, कोरेलियम रूब्रम D12, क्यूप्रम एसिटिकम D12, रोसेरा रोटेडिफोलिया D4, इपेका कुवानहा D6, स्पॉन्जिया D6, स्टिक्टा पुल्मोनेरिया D4, थायमस वल्गेरिस। संकेत: ऊपरी वायु मार्गों के सर्दी जनित रोग, नासिका, स्वर यंत्र एवं रसनी का प्रदाह, विशेषकर श्वासनलियों के प्रदाह, ब्रोंकाइटिस तथा काली खांसी की सभी अवस्थाओं में उपयोगी श्वासनलियों के पुराने प्रदाह, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, श्वास दमा, क्षय रोग में खांसी के दौरों, तपेदिक से पीड़ित में एक प्रभावशाली कफोत्सारक या बलगम निकालने वाली औषधि। क्रियाविधि: अमोनियम कॉस्टिकम प्रचुर मात्रा में ढीले श्लेष्मा के साथ ऐंठन वाली खांसी के दौरे, बेलाडोना ऐंठन वाली खांसी के दौरे, खोखली और कुकुर खांसी, बाकिंग कॉफ सूखी श्लेष्मिक झिल्लियां, ब्रायोनिया कठोर और सूखी खांसी, साथ में छाती में पीड़ा, कैमोमिला ऐंठन वाली खांसी, नजला तथा स्वर भंग के साथ गले में चिपचिपे श्लेष्मा का भराव, सूखी खांसी मुख्यतः शाम और रात को, कॉकस कैक्टाई ग्रसनी की श्लेष्मा झिल्ली की अति संवेदनशीलता, चिपचिपा चमचमाता बलगम निकलने के साथ मरोड़ वाली खांसी, कोरेलियम रुब्रम ऐंठन युक्त खांसी का तेज दौरा पड़ने के साथ दम घुट जाने जैसी स्थिति। केवल पंजीकृत चिकित्सकों के लिए क्यूप्रम एसिटिकम ऐंठन युक्त खांसी, चिपचिपा श्लेष्मा, श्वास लेने में कठिनाई, डिस्पनिया, ड्रोसेरा रोटेंडिफोलिया ऐंठन वाली खांसी के साथ चेहरा नीला पड़ जाना तथा घुटन ऐंठन युक्त दमा, इपेका कुवानहा कंठ द्वार ग्लॉटिस में ऐंठन के साथ सूखी श्वासरोधी खांसी, मितली तथा वमन, स्पॉन्जिया खोखली खांसी, रात में खांसी, स्टिक्टा पल्म नाक से नीचे की ओर ग्रसनी और श्वास प्रणाली तक फैलती हुई सर्दी, तदनंतर श्वासनलियों का प्रदाह, ब्रोंकाइटिस नाक की जड़ पर दबाव, थायमस वल्गेरिस कफ निकालने की औषधि। खुराक की मात्रा: काली खांसी वूपिंग कॉफ उपचार के प्रारंभ में हर एक घंटे लगातार थोड़े पानी में 10 बूंदे या एक छोटा चम्मच 5 मिलीलीटर सिर्फ की खुराक देते रहें। प्रत्येक घंटे एक बार कफ सिर्फ और दूसरी बार कफ ड्रॉप्स देना ज्यादा बेहतर होता है। रोग की गंभीरता और खांसी के दौरों की बारंबारता कम हो जाने पर, जो सामान्यतः 2 से 3 दिनों में होता है, दवा को प्रत्येक 2 घंटे पर लें। अवशिष्ट नजले के बाद होने वाले काली खांसी वूपिंग कॉफ के उपचार में प्रतिदिन 4 से 6 बार थोड़े पानी में 10 से 15 बूंदे ले अथवा एक छोटा चम्मच 5 मिलीलीटर सिर्फ ले। तीक्ष्ण श्वास नलियों के प्रदाह तथा स्वर यंत्र एवं ग्रसनी के प्रदाह में लैरिंगोफैरिंजाइटिस, प्रत्येक 2 से 3 घंटे पर 10 से 15 बूंदे या एक छोटा चम्मच सिर्फ ले। टिप्पणी: इन्फ्लुएंजा में R6 का भी प्रयोग करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे, यानी कि आपको इस मेडिसिन यानी कि इस दवा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी कि ये मेडिसिन किस किस रोग या फिर किस किस बीमारी में काम आता है।
दोस्तों अगर आपको इस मेडिसिन को लेनी हो यानी कि खरीदनी हो तो आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और रही बात इस मेडिसिन को कैसे खाया जाए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी अलग अलग मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी हो या फिर अलग अलग रोग या बीमारी के बारे में जानकारी लेनी हो या फिर भोजन द्वारा चिकित्सा यानी कि हर घर में आसानी से उपलब्ध खाने या पीने के चीज़ों के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज करने के बारे में जानकारी लेनी हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके साथ साथ औरों को भी इस मेडिसिन के बारे में जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।